हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह। सो यस, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं और वीडियो का टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट टेंपल्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में एक रिचेस्ट टेंपल जो काफी आलीशान, खूबसूरत तरीन और काफी माइट भी बड़े, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, वो तो वीडियो देखकर ही आइडिया होने वाला है। सो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, और क्योंकि मुझे टेंपल्स देखना और इनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी मिलती है, नॉलेज भी होती है। सो आई विश कि मुझे इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो एक मैंने देखा था इंडिया में गोल्डन टेम्पल, तो वो भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है। सो आई होप कि ये भी बहुत अच्छा होगा। और वीडियो में देखते हैं टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स और फिर उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। भारत धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास और रीति रिवाजों का देश है। ये भूमि हमेशा से ही साधु संतों और महान आत्माओं से सुसज्जित रही है। यहाँ के राजाओं ने इस भूमि के कोने कोने में अपने समय की कला के अद्भुत नमूने पेश किए हैं। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने आराध्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। 10. सोमनाथ मंदिर, गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चालुक्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ये मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। 9. सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। अब इस मंदिर को तो कोई परिचय की जरूरत ही नहीं। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हर दिन 25,000 से लेकर 2,00,000 लोग तक आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर का गुंबद करीब 4 किलो सोने से सजा हुआ है। यहाँ देश विदेश के सेलिब्रिटीज रोज ही आते रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमेशा मिलेंगे। इस मंदिर की सालाना कमाई 125 से 150 करोड़ के करीब है। सबरीमाला मंदिर, केरल। सबरीमाला मंदिर के तो कोने कोने में धर्म बसता है। ये मंदिर एक 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर है और यहाँ भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। वैसे सबरीमाला मंदिर की एक विशेषता ये भी है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता और इसी को लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ था। 7. गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो ये खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है इसको गुप्त ही रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर और इस पर चढ़ी सोने की परत इसकी समृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ हर रोज करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन 3 बार भोजन कराया जाता है, वो भी मुफ्त। वैसे अगर आप रात के समय यहाँ जाते हैं तो सोने और चांदी से चमकता ये मंदिर अलग अलग रंगों की लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। 6. जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। खास तौर से सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान तो यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना बेमानी है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्पकला देखने योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही 209 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ है और कहा जाता है कि यहाँ 5 तहखाने भी हैं, जहाँ बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। 5. साईं मंदिर, शिरडी, नासिक। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ये मंदिर उसी शिरडी में स्थित है जहाँ साईं बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों और दया भाव से लोगों की सहायता की। तो साईं बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं सिर्फ वही 94 किलो सोने से बना है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कहा जाता है कि साईं बाबा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना, 4500 किलो चांदी और काफी संख्या में विदेशी मुद्रा भी है।
यहाँ की सालाना कमाई 320 करोड़ रुपए के लगभग है। अब यार इस सब के बाद ये मंदिर इस लिस्ट का हकदार कैसे ना हो। और साईं बाबा के सभी भक्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर। 4. श्री वैष्णो देवी जम्मू। जमीन से 5200 फीट ऊपर लाखों साल प्राचीन गुफा में बना ये मंदिर देवी वैष्णवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और यही कारण है कि इस रास्ते की तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ हर साल लाखों की संख्या में माता के भक्त आते हैं। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ तक दान दिया जाता है। तो दोस्तों जरा कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन माता श्री वैष्णो देवी के दरबार में गया है। 3. गुरुवरयप्पन मंदिर, गुरुवायूर, केरला। केरल के गुरुवायूर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्तियां हैं जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग जाते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपए है। 2. तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। 10वीं शताब्दी में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5,00,000 को पार कर देता है। यहाँ बहुत से लोग अपने बालों को भी दान कर देते हैं जिन्हें बाद में बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर इस मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ के करीब है और कुल संपत्ति 37,000 करोड़ के ज्यादा है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ हर साल 3,000 किलो से ज्यादा तो सोना ही दान दिया जाता है। आखिर भगवान तिरुपति की महिमा ही इतनी है। 1. पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही मनोरम इसका इतिहास भी है। इस मंदिर की कहानियां पुराणों से जुड़ी हैं और यही बात इसकी प्राचीनता पर मोहर लगाती है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ सालों पहले जब इस मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए तो इसमें से 1,00,000 करोड़ का खजाना मिला था जिसमें सोने के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या निकला था। यहाँ मिली महाविष्णु की मूर्ति ही 500 करोड़ से ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। आप इनमें से कौन कौन से मंदिर में जा चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। रिचेस्ट टॉप 10 मंदिर जो कि इंडिया में हैं और काफ़ी रिचेस्ट हैं और मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे मंदिर जो हैं वो गोल्ड के होंगे। लाइक मतलब कि गोल्ड के मंदिर इतने ज़्यादा वो भी और काफ़ी रिचेस्ट और इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग आते हैं, मतलब कि इस तरह का मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो इस वीडियो को देखकर मुझे नॉलेज मिली, काफ़ी आइडिया हुआ कि इतने रिचेस्ट मंदिर भी हैं। और गोल्डन टेंपल वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में मैं जानती हूँ और मुझे बहुत पसंद है गोल्डन टेंपल और उसका बना हुआ जिस तरह से है और वहाँ पर लोग आते हैं इतनी तादाद में और इतना खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है और 3 टाइम का उस वहाँ पर खाना फ्री दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये मतलब कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे इसके बारे में आइडिया था पहले से। और अगर बात कर लें माता वैष्णो देवी के बारे में तो उनका मंदिर जो है वो गोपांग मतलब कि वो स्ट्रिंग वगैरह में बना हुआ है और वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी बुलंदी में। और अगर इस तरह का मंदिर ना, मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान में भी इस तरह का एक मंदिर है और उसको मतलब हिंगलाज जगह है बलूचिस्तान साइड पे, वहाँ पर एक इस तरह का मंदिर बना हुआ है जो कि मतलब के पहाड़ी इलाके में बना हुआ है। वहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जाती, आपको वॉक करके जाना पड़ता है, वहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर पहाड़ से उतरना पड़ता है। तो वहाँ पर खाना वगैरह भी नहीं होता, मतलब कि वहाँ पर पानी वगैरह भी नहीं होता, काफ़ी अलग सी जगह है वो। तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं काफ़ी वॉक करके जाते हैं और नंगे पांव वॉक करते हैं, तो इस तरह का है यहाँ पर। सो उससे सिमिलर ही लग रहा था, बट ये रिचेस्ट है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड से बना हुआ और काफ़ी अच्छे से मतलब कि बहुत प्यारा बनाया हुआ है।
सो इंडिया में मंदिर बहुत खूबसूरत है नो डाउट, और मुझे तो गोल्डन टेम्पल बहुत अच्छा लगा. सो आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा? अच्छा, मुझे एक बात और समझ नहीं आई कि ये कमाई, वीडियो के बीच में भी मैंने कहा था कि ये कमाई जो करते हैं ये किस चीज़ की कमाई होती है, मतलब इन्होंने वीडियो में बताया था कमाई का. सो काइंडली आप मुझे ये मेंशन कर दीजिएगा. तो कमाई लाइक जो लोग आप ऐसे ही देख कर जाते हैं सच एज चंदा टाइप कुछ, मतलब कि मंदिर की तामीर के लिए, उसके काम करवाने के लिए जो लोग पैसे दान करके जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का है. तो इसको कमाई कहते हैं या फिर किस सेंस में कह रहे हैं, मुझे ये थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो, मज़ीद एक्नॉलेजमेंट हो कि हाँ इस चीज़ के बारे में ये बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा. बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर की है, और सारे टेम्पल जो है वो बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी है इन्होंने बताई. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली मैंने यहाँ पे विज़िट किया है, काफ़ी मंदिर विज़िट किए हैं पाकिस्तान, मतलब कराची में, सिर्फ कराची में ही विज़िट किए हैं. और कराची में क्लिफ्टन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी मंदिर है और काफ़ी बड़ा है, और वो भी पहाड़ी के नीचे है, और उसमें मतलब कि वैसे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर किसी को वैसे नहीं जाने देते. तो खैर काफ़ी बड़ा भी है और नीचे की तरफ बना हुआ है, तो वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है. सो अगर डेफिनेटली अगर मैं कभी दोबारा जाना हुआ मेरा, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी पिक्चर्स वगैरह. वैसे पिक्चर्स वगैरह लेना अलाउ नहीं करते वहाँ पर, सेलफोन अलाउ नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर अलाउ किया तो मैं ज़रूर पिक्चर्स वगैरह लूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी. सो ये थी आज की हमारी वीडियो. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली आप लाइक भी करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान.